बहुत ही खुशी की बात है और आपके सामने यानी आपके बीच में एक बंदे ने रेस क्वालिफाई किया और मेडिकल क्वालिफाई किया और आज हमारे बीच में एक बार दिल से ताली बजाओ। रेस क्वालिफाई किया और मेडिकल पास किया और आपके बीच में बैठा हुआ खड़ा हुआ है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद सभी दोस्तों, छोटे भाइयों बड़े भाइयों। जब मैं रनिंग करने के लिए जा रहा था तो उस समय जब रनिंग करते हैं तो बहुत हेजिटेशन होती है, बार बार कहीं बाथरूम लगेगी, लैट्रिन लगेगी, ये लगेगा कि बाथरूम तो नहीं आ रही। हर 10-15 मिनट में इतनी हेजिटेशन होगी कि ये लगेगा क्या करें, लेकिन उस टाइम आपको घबराना नहीं है। उस टाइम जब 350 बच्चे देखते हैं तो चाहे कितना अच्छा रेसर क्यों ना हो उसको भी हेजिटेशन होती है। वहाँ पे उसको लगता क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे बैठेंगे आगे क्या करेंगे, क्योंकि जब लाइन लगती है तो लड़के ये सोचते हैं कि सबसे पहले मैं पहुंच जाऊं भाग के आगे, तो वो नहीं करना है। करना है लेकिन सब लड़के नहीं पहुंच सकते हैं आगे। इस प्रकार से हमें दिमाग लगाना है कि 50 बच्चों की लाइन लग रही है या 25 की लग रही है, तो हम अगर शुरुआत में आगे नहीं पहुंच सकते हैं तो दिमाग लगा के किस तरीके से दूसरी लाइन में आगे पहुँचें। तो आप अपना नंबर अगर हम तो ये कहते हैं कि अगर आगे लगने को मिल रहा है पहले फर्स्ट लाइन में अगर, तो करें कोशिश भाग के, नहीं तो आप अपना नंबर गिनते रहें। अगर 50 या 54 इनके अमन से 54-55 नंबर के बीच में लड़कों को गिनते रहें कि इतने लड़के निकल गए हैं। अगर वो 25 की लाइन लगाएगा तो भी तुम आगे पहुँच जाओगे, अगर वो 50 की लाइन लगाएगा तो भी आगे पहुँच जाओगे। ये एक बेस्ट है अपने तरीका आगे लगने का। रेस क्वालिफाई करना है तो आप वहाँ घबराएं ना, कोई प्रकार की हेजिटेशन ना करें ना लें और किसी प्रकार का दबाव ना लें। वहाँ पे जब लाइन लगेगी अगर आप आगे लग जाएंगे तो शुरुआत जब वो बोलता है या आप पीछे हैं तो आपको बाहर लंग से क्रॉस करना है, बाहर दौड़ना पड़ेगा, 300-400 मीटर जर्क लगाना पड़ेगा 70-80% का। अगर आप आगे बैठे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर का जर्क लगाना पड़ेगा 70%। उसके बाद अगर आपके पास स्टैमिना है तो आप आराम से रेस क्वालीफाई कर सकते हैं। मेडिकल में क्या क्या हुआ आपके साथ? जब रेस क्वालीफाई हुई तो उसके बाद उन्होंने बैठा दिया जाके, सर बैठे रहे, उसके बाद सिंगर लिया और उसके बाद ये बीम हुई। बीम होने के बाद जब चेस्ट के लिए जाते हैं हाइट और चेस्ट के लिए, तो मौका देते हैं ऐसे ही 10 मिनट तक का कि अगर कुछ खाना हो तो खा पी लो। और वहाँ पे खाने के लिए मिलता भी है, चावल और केले मिल रहे थे इस बार, तो आप खा लें, अपना पानी यानी पी लें, पुसअप कर लें उसी 10 मिनट में। उसके बाद हाइट नपेगी, हाइट नपने के बाद तुरंत ही चेस्ट होगा आपका। अगर चेस्ट में क्वालिफाई है वो बताता है वहीं पे कि इतने से इतना है। उसके बाद आप अपने स्थान पे बैठ जाएंगे आकर, और उसके बाद अंदर ले पा जाएंगे तो ये एफिडेविट वो खुद बनवाएंगे अपना, 250 रुपये लेंगे, फ़ोटो वोटो वो खुद ही करा देंगे, बकाया वो सब बताते हैं
फ़ोटो कापी कितनी लगना है, क्या करना है। अगर आपके पास फ़ोटो कापी भी नहीं करा के ले गए हैं तो वहाँ पे सब सुविधा है फ़ोटो कापी कराने की। बकाया रेस लगने के बाद सब वो आपका करा देंगे, उसी प्रकार की हेजिटेशन घबराहट ना लें। मेडिकल में किस तरह प्रेजेंट होना है मेडिकल के बारे में? मेडिकल में पहले बैठे बैठे सावधान टाइम देंगे, इस बार तो टाइम बहुत ही कम दिया क्योंकि रनिंग करने से वही शाम को 8 बजे तो निकले थे, सुबह 4 बजे बुला लिया मेडिकल के लिए। मेडिकल के लिए पहुंचे तो एक लाइन लगा दी, बैठा दिया सभी लड़कों को, उसके बाद एक हॉल में ले गए, वहाँ पे बैठे रहे काफ़ी देर, 2-3 घंटे। उसके बाद सर बच्चों को बांट देते हैं, जैसे 30-30, 40-40 लड़कों को ग्रुप में बांट दिया, 25-30, 40 लड़कों को, और जो जिस बैच का होता है वहाँ एक फ़ौजी होता है उसी बैच का, वो अपने बच्चों को अलग लिवा जाता है। वहाँ पे सर जो डॉक्टर होते हैं सब अपने अलग अलग तरीके से आते हैं, जैसे कोई आँखों का अलग, कान का अलग, बॉडी का अलग, कानों का अलग है, और ये शरीर डॉक्टर लोगों का बिहेवियर ठीक रहता है। हाँ सर वैसे तो बिहेवियर ठीक रहता है लेकिन इस बार लाठी बहुत चली है मेडिकल में, ताकि आप ग्राउंड फिट हो गए। हाँ जी सर। इनको कोई संदेश देना चाहेंगे? इन सभी भाइयों को यही संदेश देना चाहते हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ पर जितना करा रहे हैं आप उसका 100% दीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा।